वेलकम टू डियर सीसो। और आज का ब्लॉग शुरू होता है, टाइम देख लो एक बार, 147 से, मतलब कि पौने दो बज चुके हैं। और हम जो है अभी जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए। घूमने के लिए कहाँ जा रहे हैं वो मैं नहीं बता सकती, लेकिन बस जा रहे हैं मुझे पता है। तो मैं नीचे उतर गई थी, मेरा मास्क भूल गई थी, मैंने मास्क लगा लिया है। हम लोग जा रहे हैं, अभी गाड़ी में बैठ चुके हैं और हम आराध्य जो है बात कर रहा है अपने फ्रेंड से शायद। तो हम लोग निकल चुके हैं सिंहगढ़ रोड के लिए। तो निकले मैं, आई, आराध्य, दिख रहा है आपको आराध्य और जीजा जी, हम लोग सब कार में जा रहे हैं। और सिस्टर और भाई जो है वो आएंगे टू व्हीलर से। हाँ, उनको सिस्टर को एक्चुअली पुणे देखना है इसके लिए। तो हम लोग अभी निकल चुके हैं और रास्ते में जैसे जैसे रास्ता लगेगा वैसे वैसे मैं थोड़ा थोड़ा वीडियो शूट करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि हम कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। अगर सिंहगढ़, मुझे तो पता नहीं है अभी तक कि सिंहगढ़ खुला है कि नहीं, क्योंकि आफ्टर लॉकडाउन हम लोग पहली बार जा रहे हैं सिटी में घूमने के लिए। तो पता तो नहीं है सिंहगढ़ का क्या हालचाल है, लेकिन फिर भी निकल चुके हैं। सिंहगढ़ पे जाने के बाद हमें पता चलेगा खुला है कि नहीं, तो आपको ज़रूर बताऊँगी क्योंकि आप तो हमारे साथ ही रहेंगे। तो चलिए फिलहाल के लिए अभी जो है ब्रेक लेते हैं छोटा सा, जब मेन रोड पे आ जाएंगे तो फिर बात। हम लोग कौन सी रोड पे हैं, लेकिन हम लोग जा रहे हैं, हम लोगों को रास्ता नहीं पता है। तो यहाँ पे है बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे रोड पे, मैं नहीं बता सकती एरिया कौन सा है वो मुझे सच में नहीं पता है। देखिए रोड, और ये देखिए आराध्या, आराध्या जो कि मुझ पे हंस रहा है, बोल रहा है कि टाइम पास कर रही है तू। तो फ्रेंड्स, अभी आपको एक अच्छी वाली बात बता दूं कि हम लोग रास्ता भूल गए थे, छूट गए थे, हम लोग गलत जगह पे चले गए थे, लेकिन फिर से गूगल मैप की हेल्प से हम सही रास्ते पे अभी निकल चुके हैं। तो यहाँ से 8 किलोमीटर्स पे अभी से अगर फोर्ट है, तो हम लोग अभी जा रहे हैं रास्ते पे ही है। भाई और सिस्टर जो कि आगे चले गए थे वो वहाँ पे पहुँच गए, आधा घंटा हो गया और हम लोग रॉन्ग मैप पे अटक गए थे। तो ठीक है, लेकिन मैंने बीच बीच में बहुत सारी रोड की ये भी करी है, शूट भी करा है, आपको पता चल जाएगा। और ये वैसे ये भी बहुत सुंदर रोड है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर है। ये देखिए यहाँ पे येलो कलर के एक्समस के फ्लावर्स है, पता नहीं कैसे उग गए हैं, लेकिन पूरी रोड पे है ये और बहुत सुंदर लग रहा है ये सब कुछ जो भी है। और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स जा रहे हैं पीछे, जिनमें से एक में हम लोग भी जाने वाले हैं, तो वहाँ पे भी मैं शूट करूँगी ऑब्वियसली। तो ये देखिए रोड, शूट बहुत हो गया। अभी हम कितने बजे से निकले थे और कितने बज चुके हैं अभी, आई थिंक 3:40 हो गया है अभी। तो 7 किलोमीटर पे अभी भी फोर्ट है। तो फिलहाल तो कार में ही है हम लोग, पेट्रोल भी ख़त्म होने वाला था हमारा, हमने हाईवे पे जो कि मुंबई बेंगलुरु हाईवे लगा था हमको, वहाँ पे हमने पेट्रोल भर लिया। सिंहगढ़ फोर्ट के जैसे जैसे नज़दीक हम लोग जा रहे हैं, वो वाली फीलिंग आ रही है, शिवाजी महाराज वगैरह वगैरह वगैरह, वो वाली सारी फीलिंग्स आ रही है। तो फिलहाल तो हम लोग यहीं पे हैं, आई थिंक यहीं पे रुकना है और उसके बाद ऊपर जा सकते हैं हम लोग। तो वेट करते हैं अभी। तो हम यहाँ पे रुके हैं, वहाँ से आगे जाने नहीं दे रहे हैं, फोर्ट बंद है शायद कोरोना की वजह से। तो हम लोग यहाँ पे रुके हैं और आप देख सकते हो यहाँ पे चटाई वटाई बिछाई है, और देखिए यहाँ पे फुल ऑन
नेचर में हम लोग बैठे हैं, नेचर में ही खाना खाने वाले हैं। तो सिस्टर और भाई को फ़ोन किया है, वो गाड़ी से आ रहे हैं यहाँ पे और हम लोग अभी यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे। खाने का क्या है वो देखेंगे, मेनू पे डिपेंड करता है कि हम लोग क्या खाने वाले हैं। तो फिलहाल तो यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ पे थोड़े मज़े करेंगे अभी। हाय फ्रेंड्स, अभी जो है खाने का ऑर्डर हमने दे दिया है और हम लोग अभी टेम्प्ररी जो है नाश्ता कर रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, बनाना चिप्स है, फिर ये वेफी है और उसके साथ साथ ऑरेंजेस भी हैं, तो हम लोग वो खाएंगे थोड़ी देर के लिए लाइक अ स्नैक्स और उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। वैसे यहाँ पे बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं, हम लोग यहाँ पे बैठे आप देख सकते हो पीछे बहुत अच्छे नज़ारे हैं। और ये जीजा जी, ये आराध्य और आई जो कि खाना खा रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं स्नैक्स खा रहे हैं। तो हम लोग फिलहाल यहीं पे हैं। सकते हो हमने क्या क्या ऑर्डर तो सिर्फ फिलहाल यही किया है। ये है छाछ ताक जिसको मराठी में हम लोग बोलते हैं, ये दही है दही। जो कि मटका दही बोला जाता है इसको, यहाँ का फेमस दही है। और ये मम्मा और ये आप सूरज और ये तो देखिए यहाँ पे कितना सुंदर है ये। और हम लोग यहाँ पे अच्छे से घूम भी सकते हैं। मैं यहाँ पे चल रही हूँ फिलहाल और जैसे कि आप देख रहे हो सच में बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और सारा यू नो गांव वाली फीलिंग है। और सिस्टर को और उनको भी परमिशन मिल गया है, वो वहाँ से आ रहे हैं यहाँ पे, हम लोग एक साथ खाना खाएंगे। हमने फ़िलहाल तो ऑर्डर किया है अनियन पकोड़ा जो कि हम लोग खाएंगे, वो बन रहा है गरम गरम। और उसके साथ हम लोग खाने वाले दही जो कि मटका दही मैंने आपको दिखाया अभी। और आप देख रहे हो मेरे पीछे वहाँ पे हम लोग चटाई वटाई बिछा के बैठे हैं। यहाँ पे पूरा पूरा नेचर है गाइस, आपको मतलब घर जो कि पुणे में की बिल्डिंग्स वगैरह ये सब के बहुत परे है हम लोग आज। और हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे, तो वी आर जस्ट एन्जॉइंग एवरीथिंग। और देखिए ये रोड, यहाँ से सिस्टर एंड वो लोग जो है आने वाले हैं, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मैं घूम रही हूँ यहाँ पे अच्छे से। कोरोना की वजह से सिंहगढ़ फोर्ट पे हम लोग जा नहीं पा रहे एंड रूल्स आर रूल्स, वी हैव टू फॉलो इट। सो ठीक है फाइन, हम लोग जा नहीं पा रहे लेकिन हम लोग यहाँ पे मज़े कर रहे हैं। तो खाना जो बन रहा है अभी भरता भरे का बैंगन का, उसके साथ साथ भाकरी रहेगी। दही तो आपको मैंने दिखा दिया कि वो वाला दही हमने मंगाया है। तो इस तरह से आज का डे जो है जाने वाला है और मेरे ख्याल से ये मेरा सबसे सुंदर और सबसे इंटरेस्टिंग व्लॉग रहने वाला है। ये पहला इंटरेस्टिंग मेरा मतलब ये है कि आजकल आज तक के जो थे वो इंटरेस्टिंग नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं है, बट दिस वन विल बी लाइक अमेजिंग वाला रहने वाला है। सो हम लोग यहाँ पे अभी तो शाम हो चुकी है, मेरे ख्याल से 4:30 बज चुके हैं, 5 बजे हमारा खाना हो जाएगा। और हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे मज़े और आप लोग भी करिएगा हमारे साथ मज़े। खाना क्या आएगा वो आपको बताऊंगी, उसके साथ साथ वीडियो शूट करूंगी। फिलहाल के लिए मैं थोड़ा स्नैक्स खा लेती हूँ, उसके बाद आपसे बात करूंगी। फ्रेंड्स, सिस्टर आ गई है अभी, वो लोग उस रोड से आए मैंने बताया था आपको। तो अभी जो है हम लोग, मैंने बोला उसको हम लोग व्लॉग करेंगे साथ में मिल के। हाँ मैं ऑरेंज खा रही हूँ और ये देखिए वो लोग बैठे हैं वहाँ पे और जीजा जी कुछ इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हमेशा इंस्ट्रक्शन कर देते हैं मास्टर। ये देखिए फोटो निकालने को बोल रहे हैं मेरे को, जैसे कि मेरे को कुछ काम ही नहीं है। यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है। हमारा खाना वाना सब कुछ हो चुका है, ये देखिए यहाँ पे सेल्फी सेल्फी वाला प्रोग्राम शुरू है। तो अभी जो है हम लोग निकलेंगे घर के लिए, घर पे जाएंगे और फिर रास्ते से वीडियो करूंगी आपके साथ। और बहुत मज़ा आया ये देखिए, देयर इज समथिंग गोइंग ऑन गाइस। किनेचं नाव काय आहे? शेंगड आहे ना, तुम्ही कुठं आलाय? कुठं आला आता शेंगडचे पाचे? एक नंबर फर्स्ट क्लास मजा आ गया इधर, बहुत ही नेचुरल जगह पे हम लोग है अभी। और हमने खाया पिठलं भाकरी, भरीत,
भरी मतलब बैंगन की सब्जी थी लेकिन भरते बोलते इधर, लेकिन टेस्टी बहुत था उसमें। ये भाई है, ये सिस्टर है और ये मम्मा। मम्मा कैसे लगा आपको? एकदम मस्त, बहुत ही बढ़िया, मजा आया। थैंक यू सो मच। तो बहुत ज्यादा मजा आया। हम लोग ये देखिए यहाँ पे अभी घर पे निकल रहे हैं हम लोग। ओके हाँ मतलब माहिती होता, चलिए चलते हैं घर की ओर। आज का जो व्लॉग है वो सबसे बढ़िया सुंदर रहा होगा हमारा, क्योंकि हमने बहुत मज़े किए यहाँ पे। इट वॉज एक्चुअली अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि हम लोग घर पे तो वैसे भी जाने वाले नहीं थे और खाना यहाँ पे अच्छा मिलता, इसलिए हमने सोचा था कि एक मॉर्निंग का एक खाना खा लेते हैं यहाँ पे। लेकिन गाइज बट बहुत मज़ा आया कि यहाँ पे ये फैमिली है जहाँ पे हमने खाना खाया। आप भी आ सकते हो यहाँ पे खाना खाने के लिए। आपको अगर चाहिए तो मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर उनका शेयर कर दूँगी आपके साथ। फ्रेंड्स ये होटल शरण्या है यहाँ पे, यहाँ पे आप लोग आके खाना खा सकते हो। यहाँ पे बहुत बढ़िया खाना मिलता है जो कि आज हमने ट्राई किया। हम जो है अभी निकल रहे हैं यहाँ पे घर की ओर, घर पे जाएंगे। ये आराध्य है यहाँ पे। हाय बेबी, हेलो। तो मैं सोच रही हूँ अभी इस बार मैं टू व्हीलर पे जाऊँ, लेकिन भाई अभी नहीं बोल रहा है। वहाँ से कार में आए थे हम लोग, पर ये सीनरी वैसे भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ पे इतना गांव जैसा एरिया है ना, मतलब एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है ये। यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने तो देखिए मास्क निकाल के हम लोग चल रहे हैं। अभी लगाऊंगी ऑब्वियसली गाड़ी में बैठने के बाद, लेकिन मुझे सच में बहुत मज़ा आ रहा है। और ये देखिए ड्राइविंग कर रहा है, बाई ड्राइविंग कर रहा है और वो रिवर्स गया, अभी आगे आएगा। ए वहाँ से उसने लाई क्या? मतलब उससे कुछ आएगा क्या? ये आराध्य देव कंटिन्यूसली फ्रेंड से बातें कर रहा होता है। अरे आना इकड़े पुड़े। ओके सो वहाँ पे उतर गया वो, अभी गाड़ी आएगी आगे। हम लोग जो है अभी घर पे निकल रहे हैं, घर पे निकल चुके हैं, गाड़ी में ही है, रास्ते पे ही है। तो भाई जो है आगे गया है टू व्हीलर पे और हम लोग पीछे हैं। तो कार में हम लोग घर पे जा रहे हैं। अभी रास्ते में एक दो बार बात करूंगी आपसे, फिर घर पे जाके हाय हेलो करूंगी। तो बस बताना था आपको कि हम लोग अभी ट्रैवलिंग में हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी जो है हम लोग रिटर्न आ चुके हैं, अभी गाड़ी से उतरे हैं। वो देखिए सिस्टर और वो अभी भी गाड़ी में ही है। तो निकलते हैं घर के लिए, घर पास में है यहाँ पे। तो घर पे निकल रहे हैं अभी। ये देखिए आराध्य, मैं घर पे चलते हैं, घर पे जाके फिर आप वॉक व्लॉग ख़त्म करूँगी मेरा घर पे जाने के बाद। बाय बाय। फाइनली हम लोग घर पे आ चुके हैं। तो अभी तो घर पे पहुंच गए हैं, अभी फ्रेश होना है। कोरोना की वजह से सैनिटाइज वगैरह करके अच्छे से गर्म पानी से फिर फ्रेश होना है और उसके बाद फिर स्टीम लेनी है। ये देखिए मैं कैसी गंदी हो गई हूँ पूरी। वेल नो इशू गाइस, आज का ये जो व्लॉग है मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से मैं दोपहर से कंटिन्यूसली मेरा चल रहा है और ये बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, फिर आप भी बोर हो जाओगे। लेकिन आज का जो मज़ा है, मुझे लगता है कि सबने ये मज़ा ऐसे लूटना चाहिए और हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया एक्चुअली। देखो मेरे पेड़ दिख रहे हैं पीछे। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। तो चलो बाय बाय, गुड नाइट,
एंड घर में रहो, सुरक्षित रहो, और अगर बाहर जाओ तो हमारे जैसा केयर करो अच्छे से, ताकि जो भी मतलब कोरोना की एंट्री है हमारी लाइफ में वो ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, फिलहाल के लिए गुड नाइट, क्योंकि अब जो है 8 बज चुके हैं शाम के। तो चलिए, बाय बाय।